भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। शहर से बेहद दूर एक गांव आए हैं जहां आम आदमी है। शायद यही वो लोग हैं जिन्हें राहुल गांधी की योजना का सच में लाभ मिलेगा। इनकी आय जो है वो मेरे हिसाब से 12,000 रुपये महीने नहीं होगी। तो शुरू करते हैं सबसे वरिष्ठ नागरिक से। बताइए चाचा, महीना में कितना कमा लेते होंगे? कितना कमा लेते हैं तब भी कुछ अंदाजा? 2,000। अभी राहुल जी जो है वो कल बोल रहे थे कि जो आम आदमी होगा उसके परिवार का एक इंसान जो है उसको 12,000 रुपये महीना देंगे। ये बताइए, अगर ऐसा कोई नियम आती है, किसी सरकार कोई ऐसा नियम बनाती है, तो इससे क्या फायदा हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत फायदा हो सकता है। अगर कोई बोलेगा ऐसा तो आप वोट देंगे कि नहीं? देंगे का? जो बोलेगा उसको दे देंगे? अरे सबके ना, जब जी बोले राहुल जी बोले हैं कांग्रेस के हैं, बताइए ठीक है दे देंगे? देंगे यहाँ मतलब सीधा सीधा ये है कि जिसको लाभ होगा वो वोट दे देगा। भैया ये बताइए, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये महीना दूंगा, 12,000 रुपये महीना दूंगा, तो क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, नहीं करेंगे। नहीं। राहुल जी जो अभी अनाउंस कर रहे थे कि एक आम 5 लाख परिवार को जो है वो जोड़ेंगे और 20 लाख इंसान जो है उनकी इस योजना से जुड़ेगा, तो आप क्या सोचते हैं ये पॉसिबल हो पाएगा? जैसे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आम इंसान को 12,000 रुपये मिल सके? पॉसिबल जब वो दिखाएंगे तभी ना होगा। नहीं, अगर सोचते हैं कि एक आम जो लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे भारत में, और 20,000 करोड़ लोगों को देंगे, ऐसे इतना आंकड़ा जब बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि उन आदमियों तक उतना पैसा पहुंच पाएगा? ऐसा नहीं कुछ। ये देखिए, जो है कि किसी को लालच देने से कोई वोट नहीं देगा, जो सही चीज़ है उसी को वोट करेगा। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब राहुल जी बोल दे रहे हैं इतने ज़्यादा लोगों को दे देंगे पैसा, तो आपको क्या लगता है कि दे पाएंगे कि नहीं? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, और अगर पैसे की बात की जाए तो 72,000 देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आज राजनीति का टाइम आया है तो लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस लालच देकर आदमी को जो उकसाया जा रहा है कि वो हमको वोट करें। 2014 में बाबा मोदी जी कह रहे थे जन, और अब राहुल जी कह रहे हैं महीने में 1,000 देंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी वाला तो दिए नहीं, आपको लगता है राहुल जी दे पाएंगे कि नहीं? पता नहीं, आपको क्या लगता है? तो उनकी तो ना फेल रही, हमने देखा है, 4 साल 5 साल होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो अब फिर कांग्रेस है वो ये वादा कर रही है, तो हम ये कहें कि जैसे उनका जो रहा है, उनकी जो योजना रही, इन खाता से जो पैसा देने के लिए बोले थे नहीं दे पाए, तो अब राहुल जी भी वही वादा कर रहे हैं पैसे वाला, तो क्या लगता है कर पाएंगे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है इस तरह का, जो है कि लाभ देने के लिए पब्लिक को कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसके बजाय और उल्टा ही मतलब पब्लिक परेशानी में पड़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पैसा नुकसान। तो क्या लगता है दे पाएंगे कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वोट के लिए ऐसा राजनीति किया जा रहा है। चाचा ये बताइए, एक आम इंसान को जो गांव में रहता है, जिसकी अभी शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, हम उतना टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाते हैं, ना उतना इंटरनेट यूज़ करते हैं, ना कुछ भी उतना नहीं जुड़ पाते हैं, समाचार पत्रों वगैरह उतना नहीं पढ़ पाते हैं, आमदनी उतनी नहीं होती हम लोगों की, ना टीवी में न्यूज़ देख पाते हैं, तो जब ऐसी कोई योजना बनती है तो क्या वो सच में गांव के लोग तक लाभ पहुंच पाता है कि नहीं, आपको क्या लगता है? भाई अब जेकर लगे पहुँचल रही वह बताई। 5 साल में मोदी जी आपको क्या क्या दिए? हमको तो सब कुछ मिला है। मिल गया है? हाँ। तो अभी उनके विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, वो ये कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आम इंसान को 12,000 रुपये महीना देंगे। हमको सरकार कांग्रेस का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए? बीजेपी चाहिए। क्या उन बीजेपी का मतलब 5 साल में आपको कौन सा काम अच्छा लगा? कुछ भी नहीं लगा, लेकिन सब कुछ अच्छा है। मुझे बीजेपी चाहिए तो चाहिए। अच्छा, बीजेपी चाहिए कि मोदी जी चाहिए? मोदी जी चाहिए। अगर अगर चाहिए। अगर बीजेपी में मोदी जी नहीं रहते हैं तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे। मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी? तब भी दिखाएंगे। ये बताइए भैया, आप किसको सपोर्ट करते हैं? भाई आज के टाइम में जो अच्छा काम कर रहा है भाई, हम उसी को सपोर्ट। 5 साल में आपको क्या क्या लाभ हुआ? नहीं, अब 5 साल में तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, हमारे गोरखपुर में भी काफी बदलाव हुआ है। आपकी दुकान है? जी बिल्कुल। नोटबंदी से आपको लाभ हुआ कि हानि हुई? नहीं, नोटबंदी से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, यह है कि लोग पहले गलत तरीके से पैसे को यूज कर रहे थे, आज जो है कि नोटबंदी से सही तरीके में आ गए हैं और काफ़ी लोग जो है कि काफ़ी जो टैक्स वगैरह है ये सरकार को देकर अपना सुरक्षित भी हैं। आपको क्या लगता है 5 साल में जो बीजेपी ने जितना एजेंडा, जितना जो काम करने के लिए कहा था, सब पूरा किया है?
कुछ हद तक उसके काम सही हैं। ज़्यादा हर गांव में जो है शौचालय का निर्माण करवाया है, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था सही है, बहुत कुछ बदलाव आया है देश में। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आगे भी ऐसा ही हो, और मेरा ये मानना है कि सुधार हो रहा है हर जगह। 5 साल में मतलब जितना एक सरकार को करना चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने संतोषजनक कार्य किया है आपके हिसाब से? धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे जो है हर जगह जो है मतलब आप जो सोच के वोट किए थे बीजेपी को, हाँ, मोदी जी को, हाँ, उन्होंने आपकी उम्मीद पे खड़े उतरे कि नहीं, ये पूछ रही हूं। नहीं नहीं बिल्कुल बदलाव उतरे हैं जी, बदलाव हुआ है। आप जब बीजेपी को, आप किसको बीजेपी को सपोर्ट किए थे तो आपको क्या लगता है कि आप जो सोच के सपोर्ट किए थे वो उन्होंने किया कि नहीं किया? बिल्कुल, उसमें से कुछ मतलब कुछ ही ऐसे काम बचे हैं जो पूरा होना और आगे सरकार बनने के बाद तो होना ही होना। क्या कहते हैं भैया? सही बोल रहे हैं। आप भी मतलब जो सोच के बीजेपी को सपोर्ट किए थे, बीजेपी ने आपके लिए उतना सब कुछ किया है? देखने में तो हो रहा है, देखने की बात है भैया, लेकिन लोग कहते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तो जो छोटे छोटे दुकान वाले थे उनको बहुत लॉस हो गया था, जीएसटी और नोटबंदी से बहुत सी दुकानें बंद हो गई, ठप हो गई। और अगर युवा की बात की जाए तो 45 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो बीजेपी के सरकार में ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में अगर हम कहें कि एक तरफ जहाँ शौचालय बनाए गए, जहाँ गांव के विकास में काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ युवाओं से उनकी नौकरी छीनी गई। जैसे कि एक दुकान की बात की जाए तो दुकान ठप हुए और छोटे छोटे जो ठेले वाले लोग थे या छोटे जो व्यापारी थे उनको बहुत नुकसान हुआ। तो इसको आप किस तरह से लेंगे? नहीं देखिए, एक तरीके से लोगों को सीख भी मिला है, ऐसा होने से एक तरीके से सीख भी मिला है और जो कि काफ़ी जो कि सुधार भी हो गया कि लोग जानने लगे हैं कि जीवन जीने के लिए कौन सा सही रास्ता है। अगर सरकार को हम टैक्स देते हैं या काला धन अगर अपने पास नहीं रखते हैं तो हम सेफ हैं, अगर सरकार को कुछ हम टैक्स देते हैं तो हम सेफ रहेंगे। नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ क्या लगता है आपके हिसाब से? जैसे और उन्होंने ये भी कहा अपने बयानों में, ये भी निकल के आता है कि उन्होंने मना भी किया था बीजेपी सरकार को कि आप काला धन, क्योंकि काला धन तो रुपए में था नहीं, काला धन सोने और जमीन पे, कि जो नोटबंदी हुआ था उससे काला धन कम हुआ। अब काला धन के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उस समय परेशान हुए और आम इंसान भी परेशान हुआ। एक परिवार जिसकी बेटी की शादी होने वाली है जी, और जिस समय नोटबंदी हुआ उस समय गेहूं के कटने का समय था, उस समय तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा गरीब लोगों में। भाई बड़े लोगों की तो कोई बात नहीं है, वो लोग तो ऑलरेडी पहले से रख चुके थे पैसा, लेकिन गरीब लोगों में परेशानी हुई, काफ़ी मशक्कतें झेलनी पड़ी। तो मतलब अगर नोटबंदी को कहा जाए तो इसको बीजेपी का पॉजिटिव माना जाएगा कि नेगेटिव माना जाएगा? वहाँ निगेटिव तो है, कुछ क्षण के लिए निगेटिव तो हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में अब कार्य को देखते हुए कि जो कार्य हो रहा है उसको देखते हुए जो कि पब्लिक जो है कि इन सब चीज़ को अब आपकी उम्मीद थी बीजेपी जो है वो खड़ी उतरी? नहीं बीजेपी तो खड़ी उतरी, लेकिन कुछ बहुत ऐसे काम है जो अभी भी बाकी है, अगर उसमें भी अगर सक्सेस ही मिल जाती है तो मैं समझूंगा कि अब की बार किसकी सरकार? भाई इस बार तो सभी लोग यही कह रहे हैं भाई बीजेपी की सरकार, बीजेपी की बार बीजेपी की सरकार। क्या कह रहे हैं भैया, आपकी बार किसकी सरकार? ये समय तो बीजेपी की लहर चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी सरकार बने। जैसे कि अगर हम किसी को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं किसी पार्टी में? अगर आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना हो, बीजेपी हो, सपा हो, आरएलडी हो, कोई भी हो, किसी पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं? विकास का देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, इन लोग का क्या एजेंडा है, कैसे किस तरीके से ये समाज में क्या सुधार कर रहे हैं, यही बातें ध्यान रख के देते हैं। बीजेपी का एक प्रचार का बड़ा अहम मुद्दा बना है, कह रहे हैं कि मैं भी हूँ चौकीदार, और देश का हर एक नागरिक कह रहा है कि वो भी है चौकीदार। तो क्या आप अपने आप को चौकीदार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं भैया, चौकीदार मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है तो हम चौकीदार हैं। क्या कह रहे हैं भैया? सही है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।